अब ये देख लीजिए, यहाँ पर एक इन विट्रो एक्सपेरिमेंट की बात करिए, मतलब ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं है, इन विट्रो कंडीशन है। दो टर्म आते हैं, एक तो कहलाता है इन विट्रो और दूसरा टर्म जो है दैट इज इन वीवो। तो जो आपका इन विट्रो होता है, जब हम सेल के बाहर की बात करते हैं, आउटसाइड द सेल, इसको जरा अच्छे से याद रखिएगा, आउटसाइड द सेल, और ये क्या है आपका इनसाइड द सेल। तो जब आप नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, कोई ऐसी प्रोसीजर है जो सेल के अंदर हो रही है, तो वो आप कह देते हैं कि इन विवो प्रोसेस है। और वहीं पर जब आप इन विट्रो बात करते हैं, मतलब आपने सेल के बाहर जो है किसी भी प्रोसेस को आप रन कर रहे हैं, और उसको बस आपने वैसा एनवायरनमेंट दिया है जैसा आपके सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है। तो जब आप कभी भी किसी बायोलॉजिकल सिस्टम से बाहर एक सिस्टम को जनरेट करके प्रोसेस देखते हैं, दैट इज इन विट्रो। और इन विवो मतलब आपका नेचुरल प्रोसेस है, इनसाइड द सेल या इनसाइड द बायोलॉजिकल सिस्टम आप उसको कैरी कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग टर्म होते हैं। अब देखिए जरा, तो वो एक इन विट्रो स्टडी है देखने के लिए कि भाई जो जी एक्टिन है वो कैसे एटीपी के साथ बाइंड कर रहा है, फास्ट पॉलीमराइजेशन कर रहा है, डीपॉलीमराइजेशन कर रहा है, उसी को लेके एक इन विट्रो एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट किया गया, जो बताता है एक्टिन की पॉलीमराइजेशन रेट के बारे में। तो क्या किया गया कि एक्टिन फिलामेंट लिया गया, इसको मेंटेन किया गया है एक बफर के अंदर, जहां पर एटीपी और कैटायन का लो कॉन्सेंट्रेशन है। सुनते चलना, एक ऐसा आपको सोल्यूशन दिया गया, जैसे ये एक बीकर है, इसमें आपका सोल्यूशन है, जहां पर आपने क्या क्या ऐड कर दिया, एक तो आपने जी एक्टिन ऐड किया है और साथ ही साथ आपने लो कॉन्सेंट्रेशन दी है, किसकी, कैटायन की और एटीपी की, और एटीपी की। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि पॉलीमराइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, एटीपी था, और दूसरी एक कैटायनिक बाइंडिंग साइट भी थी। जब तक वो नहीं रहेगी तब तक आपकी एटीपी का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो वो दोनों होना जो है वो बहुत उन दोनों की प्रेजेंस जो है वो जरूरी है। जब ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे तभी जाके आपका पॉलीमराइजेशन होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट की पहली सिचुएशन में दोनों का ही लेवल कम है। तो अगर लो लेवल है ऑफ द कैटायन, तो जी एक्टिन जो है वो नॉट पॉलीमराइज। यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, नॉट पॉलीमराइज्ड, मैंने यहाँ पर डी पॉलीमराइजेशन नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो ये तीनों टर्म एकदम अलग अलग है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, पॉलीमराइजेशन, नॉट पॉलीमराइजेशन एंड डी पॉलीमराइजेशन। मतलब नॉट पॉलीमराइजेशन की मतलब क्या है कि यहाँ पर हम ऐसी बात कर रहे हैं कि जहां पॉलीमराइजेशन नहीं हो रहा, एट द सेम टाइम डी पॉलीमराइजेशन से हमारा लेना देना नहीं है, हमने बस एक ये सेंटेंस कहा है कि पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। अब डीपॉलीमराइजेशन होगा या नहीं होगा वो एक दूसरी प्रोसेस है, लेकिन जो टर्म है नॉट पॉलीमराइजेशन वो केवल इतना कह रहा है कि पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। इस चीज को याद रखिए, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं। कई जगह हम नॉट पॉलीमराइजेशन लिखते हैं, कई जगह हम डीपॉलीमराइजेशन लिखते हैं, लेकिन उसको लिखने का जो है वो अलग अलग सिचुएशन है। तो यहाँ पर क्या है, कैटायन का जब हमने कॉन्सेंट्रेशन लो किया तो पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ, दैट्स इट। सेकंड टाइम हमने क्या कर दिया कि हाई लेवल कर दिया कैटायन का, कितना बढ़ा दिया, 100 मिलीमोल पोटेशियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम भी डाला। अब एक चीज ये देखिए, यहाँ पे अगर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब 100 मिलीमोल, वहीं पर मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, 2 मिलीमोल। तो ये इसीलिए किया गया क्योंकि जो आपका मैग्नीशियम होता है वो कैसे आपके वाई वैलेंट होते हैं, वाई वैलेंट कैटायन होते हैं, और वहीं पर अगर आप पोटेशियम की बात करें तो वो यूनिवैलेंट कैटायन है। तो उनकी कैटायन वैलेंसी के बेसिस पे अगर आप कम कॉन्सेंट्रेशन भी इस्तेमाल करेंगे तो इजीली जो है वो आपका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो इस वजह से ये अगर मोनो और वाई में जब हम कॉन्सेंट्रेशन में डिप करते हैं तो मोनो का हमेशा कम होता है और वाई का जो मोनो का हमेशा ज्यादा होता है, वाई का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हाई लेवल कर दिया कैटायन का तो इजीली पॉलीमराइजेशन हो गया। क्यों,
क्योंकि एटीपी जो है इजीली अटैच्ड हो जाएगा, तो क्या होगा आपका पॉलीमराइजेशन भी बहुत आसानी से होगा। साथ ही साथ क्या होता है, द काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन वो डिपेंड करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जी एक्टिन पे, मतलब वो कैटाइन एटीपी के कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक चीज क्या पता चली कि जो जी एक्टिन है वही तो हीरो है हमारे पॉलीमराइजेशन का, है ना। अगर जी एक्टिन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या एटीपी करेगा, क्या कैटाइन करेगा। तो जो आपका जी एक्टिन है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि पॉलीमराइजेशन रेट कम होगा या फिर ज्यादा होगा। तो वो ही तीन चीज यहाँ पे लिखी कि इनविट्रो एक्सपेरिमेंट में हमें इन तीनों चीजों के बारे में पता चला कि अगर हम कैटाइन का एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन कम कर देंगे लो पॉलीमराइजेशन होगा, वहीं पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे हाई पॉलीमराइजेशन होगा, लेकिन ये सबसे पहले डिपेंड करता है आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जी एक्टिन। अब थ्री फेजेस होती है पॉलीमराइजेशन की, कौन कौन सी फेजेस होती है, पहली है न्यूक्लिएशन, दूसरी है एलोंगेशन एंड तीसरी है स्पीडी स्टेट। तो ये जो तीन फेजेस है ना ये कैसे आपकी इनिशिएट करती है पॉलीमराइजेशन को वो हमें अच्छे से देखना है। तो पहली फेज क्या है, न्यूक्लिएशन। जैसे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होना है, तो बिल्कुल वैसे ही होता है। ये जो जी एक्टिन है ना, जब ये जी एक्टिन आपस में दो या तीन जी एक्टिन प्राइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो जब तीन जी एक्टिन आपस में मिलेंगे प्राइमर का फॉर्मेशन होगा और इसी ट्राइमर को कहा जाता है न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है ना ये क्या है, एक शीड है और ये एज अ बीज काम करता है। ये न्यूक्लियस जो है एक बेस प्रोवाइड कराता है फॉर द एलोंगेशन। इसीलिए जो सबसे पहली फेज है दैट इज न्यूक्लिएशन, और इसको बनने में काफी समय लगता है कंपेयर टू एलोंगेशन। इसीलिए अगर आप ग्राफ भी देखेंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो लैग फेज जो है यहाँ पर काफी ज्यादा उसका टाइम पीरियड होता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लिएशन है ये जो थ्री आपके जी एक्टिन है इनके अटैचमेंट में स्टेबलाइजेशन में काफी टाइम लगता है। तो जैसे ही एक बार ये ट्राइमर बन जाता है, आपका न्यूक्लियस बन जाता है, फिर आपका एलोंगेशन फेज आता है जो आपका काफी फास्ट फेज होता है। और यहाँ पर दोनों एंड पे अगर आप कह दे कि ये आपका प्लस एंड है और ये आपका माइनस एंड है, तो दोनों एंड पे केवल पॉलीमराइजेशन ही होगा। ये चीज आप हमेशा याद रखिए, अगर आपसे पॉलीमराइजेशन का पूछा जाए कि ऐसी कौन सी फेज है जहां पर केवल और केवल पॉलीमराइजेशन होता है, तो दैट इज आपका एलोंगेशन फेज। न्यूक्लिएशन में तो केवल तीन न्यूक्लियस अटैच्ड हो गए दैट्स इट, लेकिन सबसे ज्यादा जो हायर पॉलीमराइजेशन रेट है वो एलोंगेशन में। और यहाँ पर डी पॉलीमराइजेशन बहुत कम होता है, बहुत लैकिंग होती है, तो कई बार यहाँ एब्सेंट भी कह दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एलोंगेशन, यहाँ पर हमें फाइबर को बहुत ज्यादा बढ़ा करना है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा पॉलीमराइजेशन बहुत ज्यादा होगा। जो थर्ड फेज होगी स्पीडी फेज होगी, यहाँ पर हमें क्या करना है फाइबर को स्टेबलाइज कर देना है। स्पीडी स्टेट मतलब आप समझते होंगे सैचुरेशन के बारे में बात होती है, स्टेबल फेज के बारे में बात होती है। तो स्टेबल फेज तब होगा जब आपका पॉलीमराइजेशन एंड डी पॉलीमराइजेशन दोनों के दोनों यहाँ पर होंगे। तो वही आपको डायग्राम के थ्रू दिख रहा होगा कि जो आपका पॉजिटिव एंड है यहाँ पर पॉलीमराइजेशन भी हो रहा है, साथ ही साथ डी पॉलीमराइजेशन हो रहा है। नेगेटिव एंड में भी आपका पॉलीमराइजेशन एंड डी पॉलीमराइजेशन रेट जो है वो इक्वल हो जाता है, जिससे जो फिलामेंट है उसकी लेंथ एकदम एग्जैक्ट रहे, स्टेबल हो जाए। क्योंकि अगर केवल और केवल एलोंगेशन फेज और स्पीडी फेज ना हो तो होगा क्या, फिलामेंट की लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा कि वो पूरा सेल के नेटवर्क को क्या कर देगा, कॉम्प्लेक्स कर देगा। तो उसी कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए एक लेंथ को, एक पर्टिकुलर लेंथ को जो है अरेंज किया गया है, और स्पीडी स्टेट फेज जो है उसको स्टेबलाइज करता है। तो कुछ नहीं है, न्यूक्लिएशन में आपके जो थ्री जी एक्टिन रहेंगे वो आपस में अरेंज होंगे, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। एलोंगेशन फेज में एडिशन होता है जी एक्टिन का और ये काफी फास्ट ग्रोइंग फेज होता है, और स्पीडी फेज में पॉलीमराइजेशन एंड डी पॉलीमराइजेशन दोनों आपका होता है। अब ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ जो है जैसे आप इसको ग्राफ ए मान लें, दूसरा जो है आपका ग्राफ बी है, ऑल्दो यहाँ पर बी सी लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। तो जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें आपको तीनों की तीनों फेज दिख रहे हैं,
न्यूक्लिएशन दिख रहा है, फिर आपका एलोंगेशन दिख रहा है, स्पीडी फेज दिख रहा है। अगर आप एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस में आपका टाइम दिया है एंड वाई एक्सिस में आपका मास दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कैसे, देखिए टाइम जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे फिलामेंट का मास भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप पहले न्यूक्लिएशन फेज की बात करें तो इनिशियली टाइम में मास बहुत कम था, क्यों था, केवल और केवल 3 जी एक्टिन की अटैच थे, तो ऑब्वियसली बात है मास बहुत कम होगा। इलोंगेशन फेज में सडनली मास बहुत बड़ा, क्योंकि क्या हुआ, जल्दी जल्दी आपके जी एक्टिन जो है वो अटैच हुए और पूरा जो आपका फिलामेंट है वो इलोंगेटेड हुआ, साइज में जो है उसकी लेंथ इंक्रीज हुई। और लास्ट जो स्पीडी फेज है यहाँ पर मास जो है वो इंक्रीज होता है, स्टेबलाइज हो गया है। आप अब टाइम कितना भी बढ़ाए लेकिन इसका जो मास है वो एक पर्टिकुलर डायमीटर में आके क्या हो गया है, स्टेबलाइज हो गया है। तो ये जो स्टेबलाइजेशन है वो स्पीडी स्टेट में है जहां पर आपका पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन दोनों होता है। चलिए अब इसके बाद दूसरा जो ग्राफ है वो क्या केवल और केवल एलोंगेशन एंड स्पीडी फेज को बता रहा है। तो अगर आपके सामने ऐसा ग्राफ आए तो आप प्रिडिक्ट करिए कि जैसे यहाँ पे तो तीनों फेजेस आपको दिख रही हैं, आप समझ भी गए, लेकिन ये जो ग्राफ है यहाँ पर केवल इलोंगेशन एंड स्पीडी फेज है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियाई है या न्यूक्लियस है उसको ऐड कर दिया है, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम जी एक्टिन को तो ऐड करें लेकिन साथ ही साथ जो न्यूक्लियस है उसने काफी सारा समय लिया था जनरेट होने में, एक प्लेटफॉर्म बनाने में, अगर हम वो बना बनाया न्यूक्लियस ऐड कर दे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ जो है हमें मिलता है। तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें इलोंगेशन एंड स्पीडी फेज है तो ऐसा क्यों आपको ग्राफ मिला है, क्योंकि आपने न्यूक्लियस को जो है वो एक्सटर्नली ऐड करा है, तो सीधा जो आपका ग्राफ है उसमें आपको इलोंगेशन और स्पीडी फेज मिला है। चलिए तो ये दोनों ग्राफ भी आपको अच्छे से समझने हैं। अब जो तीन फेजेस मैंने आपको बता दी है वो ही मैंने यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में कर दिया है कि पहली फेज क्या है, न्यूक्लिएशन फेज है जो आपकी लैग फेज होती है। यहाँ पर क्या होता है, जी एक्टिन सब यूनिट जो है 2 से 3 सब यूनिट्स आपस में मिलती है, ट्राइमर का फॉर्मेशन करती है, डाइमर या ट्राइमर जो कहलाता है आपका न्यूक्लियस। दूसरी फेज आपकी इलोंगेशन फेज है, इलोंगेशन फेज में क्या होगा, इंक्रीज होगी लेंथ, लेंथ किसकी इंक्रीज होगी, आपके पूरे के पूरे जी एक्टिन आपस में अरेंज होके जो एफ एक्टिन बना रहे हैं दोनों एंड पे, दोनों एंड मतलब कि जैसे ये आपका यहाँ पर न्यूक्लियस अटैच्ड होगा तो यहाँ पर भी आपका पॉलीमराइजेशन होगा, साथ ही साथ आपके सेकंड एंड पे भी पॉलीमराइजेशन होगा। फिर एफ एक्टिन जो है जो आपका फिलामेंट अब ग्रो हो गया है वहां पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जी एक्टिन या फिर मोनोमर डिक्रीज होगा जब तक कि आपका पूरा इक्विलिब्रियम फेज यहाँ पर नहीं मिल जाए, जिसे कहा जाता है स्पीडी फेज। और स्पीडी फेज में क्या होगा कि आपका पॉलीमराइजेशन एंड डी पॉलीमराइजेशन ये दोनों सिमिलर चलेंगे, इसीलिए कहा जाता है नो नेट एक्सचेंज और नो नेट चेंज इन टोटल लेंथ ऑफ फिलामेंट। तो इनिशियली न्यूक्लिएशन फेज में लेंथ की अगर बात करें तो बहुत छोटी लेंथ होती है, वहीं पर इलोंगेशन फेज में सबसे ज्यादा लेंथ इंक्रीज होती है एंड स्पीडी फेज में कोई लेंथ में चेंज नहीं होता, ना छोटी होगी लेंथ ना बड़ी होगी ऑफ फिलामेंट। तो ये जो है जो आपको समझाया है वो यहाँ पर मैंने लिखा है। अब देखिए एक टर्म आता है, इसको कहा जाता है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। तो वो जो पॉलीमराइजेशन की रेट है वो आपकी डिपेंड करती है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन की, कि अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कम होगा ज्यादा होगा तो पॉलीमराइजेशन होगा और पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो होगा क्या, कि जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन है जहां पर आपकी जी एक्टिन मोनोमर है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं विथ एक्टिन फिलामेंट। तो इसको जरा आप डायग्राम के थ्रू समझिए क्या होता है, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा तो ये कैसे आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन को शुरू करता है। तो आपकी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है जहां पर आपके ये जो मोनोमर हैं वो इक्वल हो जाएंगे आपके फिलामेंट से। अब कैसे इक्वल हो जाएंगे,
इक्वल ऐसे हो जाएंगे कि अगर आप मोनोमर मतलब जी एक्टिन दोनों की जगह ही अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन किसके कॉन्टेक्स्ट में कही जाती है, जी एक्टिन के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है जहां पर आपका मोनोमर भी प्रेजेंट होगा साइटोसोल में, प्लस में उतनी ही मोनोमर का आपका फिलामेंट बन चुका है। अगर मैं कहूं कि साइटोप्लाज्म में टोटल 100 जी एक्टिन प्रेजेंट हैं, तो ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन को तब अचीव करेगा जब आपके 15 जी एक्टिन मोनोमर हो जाएंगे और 15 जो है वो आपका फिलामेंट बन जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से जहां पर एक इक्विलिब्रियम फेज एक स्टेडी फेज आ जाता है मोनोमर एंड फिलामेंट के बीच, दैट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। तो अब होता क्या है कि यहां पर आपको तीन सिचुएशन दी गई है। कैसी तीन सिचुएशन दी गई है कि अगर जी एक्टिन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, आपकी कोई क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है वहां पर अगर जी एक्टिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। और सिंपल सी बात है, अगर जी एक्टिन कम है तो कैसे पॉलीमराइजेशन होगा, जब जी एक्टिन कम ही कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, कम ही नंबर जी एक्टिन के प्रेजेंट है, तो नो पॉलीमराइजेशन। अगर अब आप जी एक्टिन को बढ़ा दें तो बिल्कुल पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। और जब जी एक्टिन एंड क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन आपका दोनों सिमिलर हो जाए तो होगा आपका स्टेडी फेज। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। कॉन्सेंट्रेशन जी एक्टिन की ज्यादा होगी पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, जी एक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, किससे क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। एक चीज, अब ये दूसरा एक आपको ग्राफ दिया गया है जो अगेन मास के बेसिस पे है, तो आपका वाई एक्सिस पे मास है, एक्स एक्सिस पे आपका क्या है मोनोमर एंड फिलामेंट की कॉन्सेंट्रेशन या फिर टोटल एक्टिन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दी गई है। तो ऐसे ग्राफ को ना आप कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा आपको इसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक लाइन जो जैसे आपको ग्राफ दे दिया गया और ये नहीं लिखा होगा कि बताइए, आपसे पूछ लिया जाएगा जो ए लाइन है वो क्या डिनोट कर रही है, बी लाइन क्या डिनोट कर रही है। तो जब आप ए लाइन को देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि ये इनिशियली जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वहां से शुरू हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी ग्राफिकल लाइन जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होगी तो वो मोनोमर को ही रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि इनिशियली आपके पास मोनोमर ही होंगे, उसके बाद आपका फिलामेंट बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि फिलामेंट पहले बन जाएगा फिर मोनोमर बनेंगे, नहीं, हमें पहले ही पता है कि फिलामेंट के फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, मोनोमर जरूरी है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखेंगे कि कैसे जो है इनिशियली जब कम कॉन्सेंट्रेशन थी जी एक्टिन की तो फिलामेंट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, तो वो क्या होंगे, मोनोमर होंगे। लेकिन जैसे जैसे इसने स्टेडी स्टेट को क्रॉस किया और आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो अब पॉलीमराइजेशन हो गया और फिलामेंट बन गया। तो बिल्कुल हमें ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, तो लाइन ए जो है वो मोनोमर होगी, लाइन बी जो है वो फिलामेंट होगी। क्यों? क्योंकि इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम थी, जब बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है तो नो पॉलीमराइजेशन, नो पॉलीमराइजेशन मतलब की मोनोमर, तो ये मोनोमर थे। और फिर जैसे ही स्टेडी स्टेट के बाद कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ पॉलीमराइजेशन होगा, फिलामेंट का फॉर्मेशन होगा, इसलिए जो बी आपको लाइन दिख रहा है वो आपका फिलामेंट को डिनोट कर रहा है। चलिए अब आपको अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो अब हम इसे एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारी वैल्यू मेंशन कर दी है जो आपकी ऑफिशियल वैल्यू है, तो ऐसा नहीं है कि ये आपका कुछ एक्सपेरिमेंटल वेज है। जब एक्सपेरिमेंट पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद जब फाइनल आपको वैल्यू मिली है वो यहाँ पर पुटअप बुक वैल्यू जो है। देखिए क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, दो एंड है, अभी हमने देखा फिलामेंट के दो एंड है, एक पॉजिटिव एंड है एक नेगेटिव एंड है। तो पॉजिटिव एंड की कॉन्सेंट्रेशन अलग होगी जो कि आपकी क्या है 0.12 माइक्रोमोल सीसी प्लस, मतलब क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लस एंड। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लस एंड कितनी है, 0.12 माइक्रोमोल फॉर प्लस एंड। नेगेटिव एंड के लिए सीसी माइनस लिखा हुआ है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.6 माइक्रोमोल फॉर नेगेटिव एंड। अब देखिए तीसरी लाइन क्या है कि अगर आप क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव एंड की बात करें तो ये 5 टाइम हायर है देन द पॉजिटिव एंड।
ऑब्वियस सी बात है आपको दिख भी रहा है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि एक कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट 1 है, दूसरी कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट 6 है, तो आप मुझे इजीली बता देंगे कि मैम जो पॉइंट 6 है वो हमारी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, पॉइंट 1 जो है वो हमारी कम कॉन्सेंट्रेशन है। तो उसी बेसिस पे जो पॉइंट 1 है वो पॉजिटिव एंड के लिए, पॉइंट 6 जो है वो नेगेटिव एंड के लिए है। तो नेगेटिव एंड पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 5 टाइम हायर है कंपेयर टू पॉजिटिव एंड। एक चीज, अब दूसरी चीज मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे बताओ इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन में हम सबसे पहले और इजीली कौन सी कॉन्सेंट्रेशन को अचीव कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल मुझे बताएंगे जो पॉइंट 1 है, जो कम कॉन्सेंट्रेशन है, उसको हम इजीली अचीव करेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट 1 के बाद ही पॉइंट 6 आएगा, पॉइंट 6 तक जाने के लिए फिर पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 ऐसे कुछ क्रॉसिंग करनी होगी। तो सबसे पहले जो हमें मिलेगा, जो सबसे पहले अचीव होगा क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, वो आपका पॉइंट 1 होगा और दूसरा आपका होगा पॉइंट 6। बस इसी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हम कहते हैं कि प्लस एंड जो है वो हमारा फास्ट ग्रोइंग एंड है और जो नेगेटिव एंड है वो हमारा स्लो ग्रोइंग एंड है। क्यों है फास्ट एंड स्लो? अब फास्ट ग्रोइंग इसीलिए है क्योंकि यहां पर अगर आप जी एक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन कम भी रखेंगे ना, कितनी कम रखेंगे, अगर आपने 0.2 ही जी एक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन को कम बढ़ा दिया, मतलब 0.1 से आपने 0.2 जैसे ही जी एक्टिन को किया, तो इजीली पॉलीमराइजेशन हो जाएगा प्लस एंड की। लेकिन वहीं पर नेगेटिव एंड की कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो 0.6 है, तो 0.6 के लिए क्या करना, हम जब 0.7 तक जाएंगे तब जाके आपका पॉलीमराइजेशन होगा नेगेटिव एंड की। तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होने की वजह से यहाँ पर जो पॉजिटिव एंड है वहां पर पॉलीमराइजेशन इजीली अचीव किया जा सकता है, वहीं पर नेगेटिव एंड में क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से पॉलीमराइजेशन अचीवमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। बस ये रीजन है कि आपका जो प्लस एंड है वो फास्ट ग्रोइंग एंड है, नेगेटिव एंड जो है वो आपका स्लो ग्रोइंग एंड है। किसकी वजह से? क्योंकि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम या ज्यादा है। अब अगर इस बात को समझ गए हो तो मैं आपको कुछ केस दे देती हूँ, जरा इनको सॉल्व करिए। यहाँ पर क्या है कि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन हमें प्लस एंड की पता है कितनी है, 0.12। अब मैं आपसे कहूँ कि एक सोल्यूशन मैंने ऐड किया जिसमें कॉन्सेंट्रेशन 0.08 थी, जो कि बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है कंपेयर टू प्लस एंड। तो ऑब्वियस सी बात है अगर प्लस एंड की कॉन्सेंट्रेशन को 0.08 ने क्रॉस नहीं किया है तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। तो इसका आउटकम क्या होगा? नो पॉलीमराइजेशन। क्यों पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ? क्योंकि ये जो आपने जी एक्टिन को ऐड किया था बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में किया था, जब आप एटलीस्ट 0.2 ऐड करते तब जाके पॉलीमराइजेशन होता। लेकिन यहाँ पर आपने कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रखी, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ही क्रॉस नहीं हुई। जब क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ही क्रॉस नहीं हुई है तो ऑब्वियस सी बात है प्लस एंड पे पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड नो पॉलीमराइजेशन। अगेन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है डी पॉलीमराइजेशन, मैंने क्या लिखा है? नो पॉलीमराइजेशन। ये चीज आप हमेशा अपने माइंड में रखिए। सेकेंड क्या है, यही कॉन्सेंट्रेशन मैंने नेगेटिव एंड के लिए दे दी, तो नेगेटिव एंड में तो और नहीं होगा। अब ये तो और ज्यादा गुस्सा हो गया कि भाई हमारी कॉन्सेंट्रेशन तो 0.6 है, आप इतना कम हमें दे रहे हैं, हम क्यों पॉलीमराइजेशन करें? तो बिल्कुल ऐसा सा है कि अगर पॉजिटिव पे नहीं हुआ तो नेगेटिव पे तो होगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव की तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, हमें एटलीस्ट 0.7 चाहिए है नेगेटिव एंड में पॉलीमराइजेशन कराने के लिए। तो बिल्कुल ऐसा यहाँ हुआ कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन 0.08 ही दिया है नेगेटिव एंड में तो सवाल ही नहीं उठता पॉलीमराइजेशन का, तो क्या मिलेगा आपको? नो पॉलीमराइजेशन। अब आपने क्या किया ना कि दूसरा एक सोल्यूशन बनाया जिसमें जी एक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया और कितना कर दिया, 0.3 माइक्रोमोल। जब आपने 0.3 माइक्रोमोल किया तो अब पॉजिटिव एंड बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि इसकी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन तो 0.1 थी और जब आपने जैसे ही 0.3 किया तो ये इजीली अब पॉलीमराइजेशन कर लेगा, बहुत खुश हो गया, अब हमें क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिल गई है, अब तो हम पॉलीमराइजेशन करेंगे। तो बिल्कुल
प्लस एंड पे क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन हुआ। दोबारा हमने क्या किया कि 0.3 ही कॉन्सेंट्रेशन रखी और नेगेटिव एंड को दी, लेकिन नेगेटिव एंड अभी भी गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो कितनी है, 0.6 है। जब 0.6 है तो आप अभी भी हमें कम दे रहे हैं, 0.3 दे रहे हैं, तो हम क्यों पॉलीमराइजेशन करें? तो बिल्कुल क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन थी, तो नो पॉलीमराइजेशन एट नेगेटिव। फिर हमने क्या किया, कहा कि चलिए अब आप और खुश हो जाइए, तो हमने 0.7 जो है वो पॉजिटिव एंड के लिए, अब तो ये और खुश हो गया कि अब तो हमारे पास बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन है काय का, जी एक्टिन का, अब तो हम और फास्टली पॉलीमराइज करेंगे। वहीं पर नेगेटिव एंड भी अब खुश है क्योंकि उसके पास कितना था, 0.6 था, और हमने कितना दे दिया, 0.7 दे दिया, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन अब क्रॉस कर गई, तो दोनों एंड पे आपका पॉलीमराइजेशन इजीली हो गया। अब हमने थर्ड केस जो है, फोर्थ केस में क्या किया कि 0.6 जो है वो नेगेटिव एंड के लिए दी और 0.12 पॉजिटिव एंड के लिए दी, तो अब एक स्टेडी हो जा रही है, ना पॉलीमराइजेशन होगा ना कोई दूसरी रिएक्शन होगी, क्योंकि अब क्या है कि स्टेबल फील कर जाएगी। तो ऐसे केसेस आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है पॉजिटिव एंड के लिए 0.12, ये आपकी एक स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन है, नेगेटिव एंड पे 0.6 हो जाता है। अगर आपसे ऐसे कोई केस पूछ लिए जाए कि कॉन्सेंट्रेशन घटा बढ़ा के, तो आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव एंड पे क्या है, नेगेटिव एंड में क्या है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे कि कौन से एंड में पॉलीमराइजेशन होगा और कौन से एंड में जो है वो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। तो ये डायग्राम भी वही शो कर रहा है आपके पॉलीमराइजेशन एंड डी पॉलीमराइजेशन के लिए। तो जैसे ही क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से क्रॉस होगा कोई भी एंड, जैसे ही आपने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दे दी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से, तो पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। अब वो आपका कोई भी एंड हो सकता है, चाहे पॉजिटिव एंड हो नेगेटिव एंड हो। तो ये स्लाइड अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एक्टिन या माइक्रोफिलामेंट। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़े क्या? चलिए अब देखिए दूसरी स्लाइड क्या कह रही है। दूसरी स्लाइड सिंपली बता रही है कि हमने कैसे क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट किया। तो ये मैं थोड़ा आपको डेप्थ में बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी वैल्यूज भी याद रखनी है, बस मैं आपको एक कैलकुलेट करके बता दे रही हूँ कि कैसे हम क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि अगर आपसे ऐसा ही कोई डायग्राम पूछ लिया जाए, वैल्यू दे दी जाए, तो एटलीस्ट आप क्या कर पाए, उसको कैलकुलेट कर पाए। तो वही चीज हम मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले तो आपके दो फिलामेंट है, एक ये वाला फिलामेंट है, दूसरा आपका सेकेंड फिलामेंट। ये जो है आपका नेगेटिव एंड है जहां पर पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन दोनों होगा, लेकिन डीपॉलीमराइजेशन रेट यहाँ पर ज्यादा होगी। उसी वजह से हुआ क्या है कि ये आपका स्लो ग्रोइंग एंड बना है, ये आपका प्लस एंड है जहां पर अगेन पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन ज्यादा होगा, दोनों ही होगा लेकिन पॉलीमराइजेशन ज्यादा होगा, इसीलिए आपका पॉजिटिव एंड है, फास्ट ग्रोइंग एंड है। फिर आप देखेंगे जी एक्टिन प्लस एटीपी प्लस एंड, जी एक्टिन एटीपी माइनस एंड, तो मतलब ये हाइड्रोलिसिस को बताता है, ये आपका किसको बताता है, ये आपका पॉलीमराइजेशन को बताता है, ये डीपॉलीमराइजेशन को बताता है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है ना, एक एरो है जो आपका कैसा है, थिक एरो है, और दूसरा जो है वो आपका थिन एरो है। तो थिक एरो अगर आप किसी भी एंड की बात करें, चाहे आप नेगेटिव एंड की बात करें, चाहे आप पॉजिटिव एंड की बात करें, तो पॉलीमराइजेशन डी पॉलीमराइजेशन के कंपैरिजन में दोनों के दोनों एंड पे ज्यादा होगा। मैं क्या कह रही हूँ, ये तो हमें पता है कि जो पॉजिटिव एंड है वहां पर सबसे ज्यादा पॉलीमराइजेशन होगा, सबसे ज्यादा या फास्ट ग्रोइंग एंड पॉजिटिव एंड है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों एंड पर ही पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन होता है। तो अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें, पॉलीमराइजेशन होगा कि ज्यादा डीपॉलीमराइजेशन होगा, तो दोनों ही एंड पे पॉलीमराइजेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू डीपॉलीमराइजेशन, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, जबकि डीपॉलीमराइजेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। इसको मैंने आगे लिखा है।
तो देखिए अगर आप पॉलीमराइजेशन रेट की बात करें नेगेटिव एंड पे तो कितनी है 0.3 माइक्रोमोल पर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मतलब एक सेकंड में जो आपकी नेगेटिव एंड में पॉलीमराइजेशन रेट है वो कितनी होगी 0.3 होगी। वहीं पर डी पॉलीमराइजेशन 0.8 है, तो आप देखेंगे पॉलीमराइजेशन 1.3 है, 0.8 डी पॉलीमराइजेशन है, तो नेगेटिव एंड पे कौन ज्यादा हो रहा है पॉलीमराइजेशन। वहीं पर अगर आप पॉजिटिव एंड की बात करें तो पॉलीमराइजेशन रेट कितना है 12 माइक्रोमोल पर इनवर्स सेकंड, मतलब एक सेकंड में 12 माइक्रोमोल जी एक्सचेंज जो है वो अटैच हो रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं 12 टाइम ग्रेटर देन है नेगेटिव एंड से, इसीलिए आपका पॉजिटिव एंड फास्ट ग्रोइंग है। और वहीं पर अगर आप डी पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे तो 1.4 पर सेकेंड जो है डी पॉलीमराइजेशन है, तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है आपका डी पॉलीमराइजेशन रेट, डी आर में से लिख रही हूँ, क्या है डी पॉलीमराइजेशन रेट डिवाइडिंग बाय पॉलीमराइजेशन रेट, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 1.3 तो आप निकालेंगे तो 0.6 आएगा। वहीं पर अगेन आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो डी पॉलीमराइजेशन रेट डिवाइडेड बाय पॉलीमराइजेशन रेट, ये क्या है आपका क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है प्लस एंड, तो क्या आएगा आपका 0.4 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, क्योंकि ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाते हैं इसी वजह से जो आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकलता है 0.12 माइक्रोमोल। तो अब आपको शायद समझ में आया होगा कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमें ये सारा रेट नहीं याद रखना है ना, हमें केवल ये फाइनल क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन याद रखना है। साथ ही साथ अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए उसमें आपके पास ये डायग्राम हो तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया जाए और फिर सॉरी आपको पॉलीमराइजेशन एंड डी पॉलीमराइजेशन रेट को चेंज कर दिया जाए और पूछे कि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बताइए, तो कुछ नहीं करना है, बस डिवाइड करके आपको निकालना है। तो ये बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वही चीज यहाँ पर देखिए नेगेटिव एंड पे सेकंड डायग्राम डी पॉलीमराइजेशन को शो कर रहा है, वहीं पर पॉजिटिव एंड ये कैसी है आपकी नेट रेट है। तो जब हमने पूरा ये कैलकुलेट किया तब हमने आइडेंटिफाई करा कि जो पॉजिटिव एंड है वहां पर पॉलीमराइजेशन रेट जो है वो ज्यादा है एंड नेगेटिव एंड में डी पॉलीमराइजेशन रेट जो है वो ज्यादा है, ऐसे करके हमारा पूरा पॉलीमराइजेशन एंड डी पॉलीमराइजेशन जो है होता जाता है। तो ये चीज अगर समझ में आई तो इसे आगे करके करते हैं।